घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज्य धर्म और तन तीन का होत वेग ही नाश। ये रामचरितमानस की चौपाई है, तुलसीदास जी ने लिखा है और ये उस समय का जिक्र है जब रावण के दरबार में सभी लोग उसको समझा समझा के थक गए कि भाई सीता जी को लौटा दो, ये तुम्हारा काम नहीं है, वो भगवान है, आपने जो है माता का अपमान किया है। सबने शिक्षा दी, विभीषण ने भी कहा तो भी नहीं माना, वो विभीषण को तो लात मार दी कि निकल यहाँ से सगा भाई, और तू हमारे राम विरोधी हम हैं और तू राम का सहायक हो रहा है, वो हमारा शत्रु है। तो उसको बहुत बुरा लगा रावण को। तब उस समय विभीषण ये बात कह कर के गए हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले हैं भय आस, तो राज्य धर्म तन तीन का होत वेग ही नाश। सचिव मतलब मंत्री, राजा का जो मंत्री होता है उसको सचिव कहते हैं। कोई भी सोसाइटी भी बनती है आजकल, एक मंत्रिमंडल गठित होता है, उसमें सचिव की अपनी भूमिका है, जो सचिव कहेगा वही आगे बात फैलाई जाती है, सचिव उसको नोटिस सब जगह फैलाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो सचिव है जो कि राजा की बात को आगे बढ़ा रहा है, वो अगर राजा के सामने डर की वजह से राजा की तारीफ करने लग जाए, प्रिय बोलने लग जाए राजा से भय खा करके, यार हम राजा से डरते हैं, राजा तो राजा है, लेकिन सचिव को नियम से, कायदे से, कानून से निडर होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। जो सचिव है, जो मंत्री है, वो प्रजा के हित की बात करेगा, अन्याय बर्दाश्त होने नहीं देगा, वो राजा को अन्याय करने से रोकेगा, बुरा करने से रोकेगा, अगर सच्चा मंत्री है तो। और अगर राजा के हाथ बिका हुआ है तो वो राजा के गुणगान करेगा, झूठी प्रशंसा करेगा। इससे क्या होगा, झूठी प्रशंसा करेगा, महाराज पूछेंगे राज्य में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो वो कहेगा कोई दिक्कत नहीं महाराज, आपके होते हुए कहाँ समस्या हो सकती है, महाराज निश्चिंत, और प्रजा मरी जा रही है। तो उस राज्य का नाश हो जाएगा बहुत जल्दी, ये कहने का तात्पर्य है, अगर उस मंत्री ने राजा की तरफदारी करके प्रिय बोलने लग गया, मीठा बोलने लग गया। ऐसे ही गुरु बताया है, सचिव के बाद पहले वैद्य, वैद्य मतलब इलाज करने वाला, डॉक्टर, पहले वैद्य ही हुआ करते थे वो लोग भी, अगर मरीज के डर से, मुन्ना भाई जैसा अगर कोई मरीज हो, ऑपरेशन नहीं इंजेक्शन से ठीक करना है, तो डरते हैं भाई डॉक्टर साहब नहीं करेंगे ऑपरेशन, क्यों, दादा है ये, गुंडा है ये, मार डालेगा मेरे पूरे परिवार को, ख़त्म कर देगा, ये जो कहता है वही कर दो, ये कह रहा है कि ऑपरेशन नहीं कराऊंगा मैं, मेरे इंजेक्शन लगाओ हम उसी से ठीक हो जाएंगे, तो डॉक्टर साहब ज़िंदगी भर उसको इंजेक्शन ही देते रहेंगे और वो मरीज़ ख़त्म ही हो जाएगा, कुल मिला के वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसको ज़रूरत ऑपरेशन की थी। अब वो डर की वजह से ऑपरेशन डॉक्टर साहब अगर नहीं करें कि मैंने अगर इसको छुरा लगा दिया या कैंची चला दी तो ये उल्टा गोली मार देगा अगले दिन, डर जाए मरीज से, डर जाए तो मरीज का क्या हाल होगा फिर, है ना, मरीज से अगर डॉक्टर डरने लग जाए तो मरीज को मरना ही है फिर। ऐसे ही अब बात आती है गुरु की, सचिव वैद्य गुरु, ये तीनों के लिए सेम बात बताई है। ये अगर अपने शिष्यों से डरने लग जाए, गुरु अगर अपने शिष्य से डरे तो वो कभी नहीं कुछ बता पाएगा आपको। गुरु हमेशा निडर होता है, तुम गोली मार दो तो मार दो, तुम्हें बुरा लग जाए तो लग जाए, पर सच बात हम कहेंगे कि आपके लिए ये ठीक नहीं है, आप ऐसा करें, आप वैसा ना करें, ये सब गुरु टीचर को कहने की आवश्यकता है। टीचर थप्पड़ भी मार देते हैं क्लास में, लेकिन वही टीचर अगर इस बात से डरने लग जाए कि मैंने अगर इस बच्चे को थप्पड़ मार दिया तो इसका बाप जो है बहुत ही खतरनाक आदमी या नेता है, हमको निकलवा देंगे या हमें मरवा देंगे, ऐसा भय अगर टीचर के दिमाग में बैठ जाए तो टीचर क्या पढ़ाएगा फिर, उस बच्चे का सर्वनाश ही होना है।
उसकी ज़िंदगी ख़राब ही होनी है अगर अध्यापक डरने लग जाए। ये बात घूमते घूमते मैं थोड़ा सा निषाद की तरफ भी जाऊँगा कि जब मैं स्टूडेंट्स को बहुत डांटता था और उनको तरीके से अनुशासन सिखाने की कोशिश करता था कि वो बैठें और सीखें, नहीं सीखते हैं या इधर उधर घूम रहे हैं तो हम टोकते थे, या आप गलती कर रहे हो कुछ तो भी हम टोकते थे कि ये ऐसा मत करो, इसको ऐसे सुधार लो, इसको वैसे सुधार लो। तो ऐसे में क्या होता था कि स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे होते थे जिनको बहुत बुरा लग जाता था कि ये तो ज़बरदस्ती परेशान करते हैं हमको, या जैसे उस बच्ची जैसा जवाब कई बड़ों ने भी दिया है कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है, प्रैक्टिस तो हमको करनी पड़ती है, प्रैक्टिस तो हम कर रहे हैं ना, तो हम जितनी करें हम अपने लिए कर रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं कि हम ठीक से नहीं कर पा रहे। तो फिर ऐसे व्यक्ति से डर लगने लग जाता है कि भाई अपने को नहीं बोलना है ऐसे आदमी से जो उल्टा जवाब दे दे। मैंने अगर कोई बात बताई उसको हमेशा अगर स्टूडेंट को यही लगता है कि ये तो मेरे पीछे पड़े हैं, ये मुझे जीने नहीं देना चाहते, ऐसा अगर भाव आ जाए स्टूडेंट के अंदर और वो फिर उल्टी प्रतिक्रिया करने लग जाए गुरु के प्रति, तो गुरु उससे डरने लग जाएंगे। हम नहीं डरे लेकिन कभी भी, पर निषाद डरने लग गए थे। तब हमने निषाद को भी ये समझाया कि यही बात कि सच्चे वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, तो राज धर्म तन तीन का हो तो वेग ही नाश। नहीं आई समझ में बात? इसलिए नहीं आई क्योंकि ज़माना ये कहता है कि अगर हमारे पास स्टूडेंट नहीं होंगे तो हम क्या खाएंगे, पेट ये बोलता है कि हमारे पास अगर स्टूडेंट नहीं रहेंगे तो क्या होगा, इसलिए बचा के रखो। निषाद के दिमाग में ये बात बैठती थी, आज भी वही बैठी हुई है कि कोई भी आए प्यार से उनको समझाओ, अपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, वो जैसे चाहें वैसे उनको करने दो, कम से कम साल भर टिकने तो दो, आप तो उनको दूसरे तीसरे दिन डांट देते हो तो वो परेशान हो जाते हैं, है ना। उनसे दोस्ती कर लो, स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंड्स बन के सिखाएं, निषाद का ये अपना एक टीचिंग प्लान है। तो वो फ्रेंड्स बन के सिखाने में वो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम फ्रेंड्स भी बन सकते हैं, लेकिन ऐसे में दिक्कत ये आती है कि सामने वाला वो फिर गलत ले लेता है उस चीज़ को, नाजायज फ़ायदा उठाता है कि हमने तो आपसे दोस्ती की और अपने साथ घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, चलो खाएंगे पिएंगे बैठेंगे जो चाहो वो करो, लेकिन वहाँ आपको अपनी गरिमा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आज अगर हम आपको अपने बराबर पर यहाँ बिठा लें और कहें आइए बैठते हैं अपन बातें करते हैं बढ़िया बढ़िया और दूसरे तरह की म्यूजिक के अलावा भी लाइफ से संबंधित और भी बहुत सारी बातें अगर हम आपसे कर रहे हैं तो इससे हम घुल मिल तो रहे हैं आपस में, लेकिन वहाँ पे गड़बड़ होने की संभावना यह है कि स्टूडेंट अपरिपक्व होता है, विद्यार्थी मैच्योरली इतना मेंटली मैच्योर नहीं होता है। अगर टीचर उससे दोस्ती कर ले, टीचर ने तो दोस्ती इसलिए की कि हम इसको जब पढ़ाएंगे तो इसको ज़्यादा मज़ा आएगा, हम इससे दूरी न बनाएं और अंदर घुस करके इसको सिखाएं, हमारा ये उद्देश्य था, निषाद का भी यही उद्देश्य है। लेकिन होता क्या है कि वो नादान की दोस्ती और जी का जंजाल बन जाता है। एक डायलॉग है, कहावत है कि नादान की दोस्ती जी का जंजाल, आपने खरीद लिया तो दोस्ती भी नादान व्यक्ति से नहीं करनी जो कुछ समझता ही नहीं दोस्ती का मतलब, जो दोस्ती का मतलब ही नहीं समझे उससे क्या दोस्ती करो। और दोस्ती अगर कोई बड़ा आदमी आपसे कर रहा है उम्र में, कोई गुरु है और आपसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर हमें खुद को संभालने की ज़रूरत है। मैं मेरे गुरु के साथ बहुत अच्छी पहले दोस्ती हुई थी मेरी, सबसे पहले मेरी दोस्ती हुई थी, उसके बाद मैंने उनको गुरु स्वीकार किया जब मुझे लगा कि ये बहुत योग्य हैं, मेरे दोस्त जरूर बन गए हैं, हम साथ उठ रहे हैं बैठ रहे हैं बराबर पे, हाथ मिलाते थे हम एक दूसरे से जब मिलते थे कई काफ़ी समय तक। उसके बाद जब मैंने उनकी कला और उनका ज्ञान जब देखा तो मैंने अपने आप को तुरंत झुका दिया और मुझे ये लगा कि मैं इनसे दोस्ती के काबिल नहीं हूँ, मैं इनके बराबर पर खड़े होने के लायक मैं हक नहीं रखता, ये मैंने खुद स्वीकार कर लिया और उनको प्रणाम करना शुरू किया। जिस दिन मैंने, उस दिन वो चौंक गए जब मैंने उनके दोनों हाथ से पांव छुए एक दिन हाथ मिलाने की बजाय, तो बोले अरे ये क्या कर रहे हो, हम सीखने लग गए थे उसके बावजूद भी हम हाथ ही मिलाते थे क्योंकि दोस्त थे, अब दोस्त दोस्त को क्या सिखाएगा, जब तक गुरु नहीं होगा तब तक नहीं सीख सकते। तो गुरु बिन ज्ञान कहाँ, तो जब तक गुरु नहीं आपको कुछ सिखाएंगे आपका कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए गुरु से दोस्ती करो। कहा उसमें गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहा गुरु संग करो मिटाई,
तुलसीदास ने भी लिखा है कि गुरु संग करो मिताई, लेकिन मित्रता में पवित्रता वो जरूरी है। गुरु से मित्रता करो, लेकिन वैसी वाली मित्रता करो कि गुरु आपसे प्रसन्न हो जाए, वो मित्रता कही जाएगी कि वो खुश होकर के आपके साथ, ये नहीं कि कुछ गलत गलत काम करने लग जाए तो ही मित्रता होती है। जब गलतियां करते हैं दोनों साथ मिल करके, चोरी करने लग गए दोनों साथ मिल रहे हैं, तो वो मित्रता नहीं है। फिर मित्रता में आपको गुरु का पद रखना पड़ेगा। मित्रता तो रखिए पर गुरु को उच्च स्थान पर रखिए। मित्रों में तो बहुत सारी बातें, गाली गलौज भी कर लेते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे का छीन के खा भी लेते हैं, लेकिन ये गुरु से जब मित्रता होगी तो ये बातें नहीं आएंगी, वो वाली मित्रता नहीं होगी। मित्रता मतलब प्रेम होगा कि हम उनके बिना नहीं रह सकते, उनके दर्शन किए बिना हमें चैन नहीं पड़ेगा, ऐसी मित्रता होनी चाहिए। प्रभु से मित्रता करने के लिए कहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हाथ मिलाएंगे भगवान से, मित्रता करेंगे लात मार देंगे, हम तो मित्र हैं, थप्पड़ भी मार देंगे, गाली भी दे देंगे, मित्र हैं। लेकिन भगवान से मित्रता करने का मतलब जो तुलसीदास कहते हैं या गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है कि ये ईश्वर से लगाव, गुरु से जब तक लगाव नहीं होगा, मित्रता नहीं होगी, तब तक वो आगे का मार्ग आपको नहीं दिखा पाएगा। मित्रता होगी तभी वो आपको प्यार से कहेगा चल बेटा आगे हम बता रहे हैं ये रास्ता है, और उससे आप दुश्मनी करोगे हमेशा दूर रखोगे तो फिर वो बात नहीं आएगी। इसलिए मित्रता जरूरी है ताकि खुशी से आपको बता सकें। मित्रता का मतलब हम एक दूसरे के होके रह जाएं। मित्रता ये होती है कि हम एक दूसरे के बन जाएं, कि तुम हमारे शिष्य हो तो मैं तुम्हारा गुरु हूँ, ये भाव जिस दिन जाग जाएगा उस दिन ना मेरी कोई बात आपको बुरी लगेगी ना चुभेगी, और आपको ये लगेगा कि ये मेरे भले के लिए कहते हैं। आज भी मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने पुराने अतीत को उठा के देख लीजिए, आप सक्सेस हैं या अनसक्सेस हैं, तो इसका दोष आप अपने टीचर्स को देते हैं और उन टीचर्स को ज़्यादा देखते हैं, या श्रेय भी देते हैं तो भी आप कहते हैं कि आज उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। आज जो काम मैं कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे गांव में एक संस्कृत पढ़ाने वाले गुरुजी थे जो अक्सर मिलते हैं चारा काटते हुए खेतों में, उनसे प्रेरणा लेकर के मैंने व्याकरण को एक दृष्टि दी और वही व्याकरण आज मैंने संगीत में लागू किया हुआ है। जबकि हमारे जो संगीत के गुरु हैं उन्होंने व्याकरण नाम का शब्द कभी बताया ही नहीं कि संगीत का भी कुछ व्याकरण होता है। तो पता नहीं कौन से गुरु आपका जीवन बदल रहे, लाइफ में बहुत सारे शिक्षक आपको मिलते हैं और आप उन शिक्षकों को बाद में गालियां देते हो जो आपके साथ खड़े होकर सिगरेट पिया करते थे। उस समय आपको बहुत अच्छा लगता था कि मैं मेरे टीचर के साथ खड़े होकर सिगरेट पी सकता हूँ। उस टीचर को आप कभी जीवन में भला नहीं कहेंगे जिसने आपको गलत रास्ते पर चलना सिखाया था। उस समय मज़ा आता था, उस समय ऐसा लगता था कि ये स्टूडेंट सारे अलग हैं और मैं मेरे क्लास टीचर के साथ खड़े होकर चौराहे पर सिगरेट पी सकता हूँ, इतनी मेरी धाक है, इतनी शान से उस समय आप कहते थे। लेकिन जिस दिन असफल हुए उस दिन यही कहोगे, या उस सिगरेट पीने की वजह से जिस दिन आपको बीमारी हो गई और उस दिन आप यही कहोगे कि ये दोष उनका है, सिगरेट मैं नहीं पीता अगर वो गुरुजी मुझे अलाउ नहीं करते। आज अगर मोबाइल की वजह से आपका कुछ नुकसान हो जाता है, हम मना करते हैं कि मोबाइल बहुत लिमिटेड यूज़ करिए, रात को कम से कम स्विच ऑफ करके रख दीजिए, तो अभी बुरा लगेगा लेकिन 3 साल बाद जब आप कुछ अच्छा करने लग जाओगे, 5 साल बाद जब आप कुछ बन जाएंगे, तब आप लोगों को ये कहा करोगे कि वो गुरुजी थे जो बहुत स्ट्रिक्ट थे, मोबाइल के लिए तो यार वो छोड़ते ही नहीं थे, छीन लेते थे हमसे, चुपके से छुरा के ले जाते थे हमारा मोबाइल, हम ढूंढते रह जाते थे और बहुत हमको डांटते थे वो मोबाइल की वजह से। हाँ, इसीलिए मैं कर पाया, और अगर मैं मोबाइल में घुसा रहता तो शायद मैं यहाँ नहीं पहुँचता। ऐसी कुछ बातें हैं जो हुआ करती हैं। तो गुरु और शिष्य के बीच में आपको अभी तक क्या समझ में आया इस बात से कि मित्रता रहे और प्रेम बना रहे। प्रेम कभी किसी बात से टूटे ना, क्योंकि गुरु का काम है आपको सच्चाई दिखाना। आप अंधेरे में हैं, आपके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है अभी, तो आप वर्तमान में इस समय कुछ और हैं, भविष्य आप नहीं देख पा रहे कि 10 साल बाद क्या होगा। अगर आप ये सोच लें कि आज जो कहा जा रहा है उसका परिणाम 10 वर्ष बाद मिलेगा। अभी एक बच्चे ने प्रश्न किया कि गुरुजी मैं हारमोनियम के सारे सुर खत्म करना चाहता हूँ, गले से ऊपर वाले और नीचे वाले,
तो क्या यह संभव है? मैंने कहा कर चुके हैं लोग और कर रहे हैं, ये काम अभी भी हो रहा है। पंडित जसराज, भीमसेन जोशी, परवीन सुल्ताना और भी ऐसे कई कलाकार हैं आज इस धरती पे जिन जो हारमोनियम उनके साथ नहीं बजता है, फिर हारमोनियम बजाने वाला चुप हो जाता है, फिर स्वर है ही नहीं। वो उससे ऊपर भी गा रहे हैं, वो उसके नीचे भी गा रहे हैं। तो मैंने कहा ये सब संभव है, लेकिन कई सालों बाद वो भी 60 साल की उम्र में आकर के उन्होंने इस तरह के सुर लगाने शुरू किए हैं। शुरुआत में तो वो भी पंचम से पंचम ही रह पाते थे, धीरे धीरे दैवत पे गए, नीचे उतरे, ऊपर चढ़े। जो मॉर्निंग रियाज की जो टेक्निक है जो हमने दी है वो उसी रास्ते पे ले जा रही है, बल्कि उससे कहीं और आगे ले जा रही है। और फिर जो एक समय प्रणाली है, जो टाइम हमने नोट किया है कि किस टाइम से किस टाइम पे कौन सा राग गाया बजाया जाएगा, उस समय वही काम करें। तो तानसेन बनने की स्थिति में है आप। पंडित जसराज और भीमसेन जोशी भी तानसेन नहीं बन सके, बहुत गुणी हैं, बहुत गुणी कलाकार थे, विश्व प्रसिद्ध रहे पूरी दुनिया में, लेकिन तानसेन दोबारा क्यों नहीं आए? तानसेन जैसा कोई क्यों नहीं पैदा हुआ अभी तक, जो दिए जला दे, बरसात कर दे, तुम्हें खड़े खड़े मूर्छित कर दे, राग सुना के वहीं गिर जाओगे, क्या नहीं कर दे? प्रकृति को चैलेंज कर दिया, सूरज को अस्त होने पर मजबूर कर दिया, चंद्रमा को निकलने पर मजबूर कर दिया। ये संगीत में तासीर है, लेकिन वैसे साधक नहीं है। वो साधना इस संसार की नहीं है, वो अलौकिक साधना है। वो साधना ऐसी है कि एकांत और गुफा की साधना है वो, उसमें किसी की नज़र न लगे और सच्चे गुरु का साथ हो और फिर साधना आपकी हो, तो फिर आनंद ही आनंद है। तानसेन तो कुछ भी नहीं है। चैलेंज कर सकते हैं तानसेन को आप भी। उसके लिए 5 वर्ष का बिल्कुल शुद्ध बच्चा चाहिए और सारी जिंदगी, सारे दिमाग से उसकी गंदगी निकली हुई हो, संसार से उसको कोई लेना देना नहीं हो, माता पिता से दूर, बचपन से ही पहलौठा, बिल्कुल जिसने संसार की कोई बात चखी ही ना हो, उस बच्चे पर अगर ये प्रयोग किया जाए, तानसेन विल बॉर्न अगेन, दोबारा आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके लिए गुरु भी चाहिए और शिष्य भी वैसा ही चाहिए, जो उसको साधना करवाए, उस ढंग से कराए, उस तरीके से बिठाए। ठीक है, तो आज के इस वॉइस नोट से आप सबको, मैं समझता हूँ, अच्छा लगा होगा और ऐसी कोशिश करूँगा मैं धीरे धीरे। फिर से एक बार वॉइस नोट्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। जय हो।